एनल सेक्स मैन टू मैन या फिर मैन टू वुमेन, क्या ये सही है? क्या हर वक्त एनल सेक्स करने से हेल्थ रिस्क यानी कि हेल्थ हजार्स कुछ हो सकता है क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर एसाबत, माइसेल्फ डॉक्टर सरोजनी। मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हेल्थ रिस्क ऑफ एनल सेक्स यानी कि एनल सेक्स करने से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो आइए जान लेते हैं 11 इम्पोर्टेंट डिजीजेस ड्यू टू एनल सेक्स। नंबर 1, बैक्टीरियल डिजीजेस। एनल सेक्स करने से बहुत सारा बैक्टीरियल डिजीजेस एक आदमी का हो सकता है। वो सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या क्या है? क्लैमिडियल इन्फेक्शन, सिफिलिस एंड गोनोरिया, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एनल सेक्स करने से एक आदमी का हो सकता है। नंबर 2, वायरल इन्फेक्शंस। कौन कौन सा वायरल इन्फेक्शंस हो सकता है एनल सेक्स करने से? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV इन्फेक्शन हो सकता है एनल सेक्स करने के टाइम में। ह्यूमन पापिलोमा वायरस इन्फेक्शन, हर्पिस जेनेटलिस, हिपेटाइटिस बी एंड ए, ये सब बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकता है एनल सेक्स करने के कारण। नंबर 3, इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक और इंटेस्टाइनल प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन एंड जियाडिया लैम्बलिया इन्फेक्शन। नंबर 4, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एनल सेक्स करने के टाइम में बहुत सारे चांसेस होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का। नंबर 5, एनल इनकॉन्टिनेंसी यानी कि एनल सेक्स बार बार करने से एनल स्पिंक्टर लूज हो जाता है और डिफिकेशन के टाइम में स्टूल को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पिंक्टर काम नहीं देता है, इसलिए एनल इनकॉन्टिनेंसी जैसा प्रॉब्लम दिखाई देता है। नंबर 6, हीमोरॉयड यानी कि पाइल्स। एनल सेक्स करने के टाइम में एनल टीयर हो सकता है और एनल सेक्स करने के टाइम में पाइल्स यानी कि हीमोरॉयड दिखाई देने का संभावना होता है। नंबर 7, एनल फिशर। एनल सेक्स करने के टाइम में लुब्रिकेशन कम होने के कारण टीयर होता है और ये एनल फिशर जैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नंबर 8, फिस्टुला एनो। नंबर 9, इंजरी एंड पेन एंड ब्लीडिंग एनल सेक्स करने के टाइम में दिखाई दे सकता है। नंबर 10, कोलोन परफोरेशन। एनल सेक्स करने के टाइम में बहुत चांसेस होता है कोलोन का इंजरी यानी कि परफोरेशन होने का। नंबर 11, द लास्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ रिस्क ऑफ एनल सेक्स इज एनल कैंसर। एनल सेक्स करने के टाइम में ह्यूमन पापिलोमा वायरस इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है और ये ह्यूमन पापिलोमा वायरस इन्फेक्शन होने से एनल कैंसर होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ये है 11 इम्पोर्टेंट हेल्थ रिस्क ऑफ एनल सेक्स। अगर कोई आदमी एनल सेक्स करता है तो मैन टू मैन यानी कि होमोसेक्सुअलिटी में ज़्यादा चांसेस होता है ये सब डिजीज होने का और हेट्रोसेक्सुअलिटी में भी ये सब डिजीजेस हो सकता है। अगर कोई आदमी एनल सेक्स करता है तो ये सब बहुत सारे डिजीजेस होने का संभावना होता है क्योंकि एनल रीजन में लुब्रिकेशन कम होने के कारण एनल टीयर हो जाता है और कोई भी पार्टनर का इन्फेक्शन होने से दूसरा पार्टनर को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो फिर दर्शकों, ये है 11 इम्पोर्टेंट हेल्थ रिस्क ऑफ एनल सेक्स। कोई भी आदमी एनल सेक्स करने के टाइम में ये सब डिजीजेस को माइंड में रखना चाहिए और प्रोटेक्शन लेना चाहिए जैसे कि कॉन्डम यूज करना चाहिए। कॉन्डम यूज करने से भी ये फुल प्रोटेक्शन नहीं देता है क्योंकि अनकवर्ड एरिया में पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं और डिजीजेस करते हैं। तो फिर जितना दूर संभव एनल सेक्स करने के टाइम में खुद को प्रोटेक्शन में रखना है, सतर्क रहना है और डिजीजेस को सब प्रिवेंट करना चाहिए ताकि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकेंगे। थैंक यू।